कोरोना के कारण लॉकडाउन का दूसरा पार्ट खत्म हो गया है और तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें कई सारे छूट दिए गए हैं। और ये क्या, ये बच्चे पैंट शर्ट पहन के कहाँ जा रहे हैं? शायद स्कूल कॉलेज भी तो नहीं खुल गया। लेकिन इनके हाथों में किताब कॉपी के जगह ये क्या है? लग तो ऐसा रहा है जैसे हसिया हो। जी हाँ, हसिया ही है। लेकिन ये हसिया लेकर जा कहाँ रहे हैं? चलो इसे देखते हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो खेत के अंदर जा रहे हैं और यहाँ ये लोग फसल काट रहे हैं। कमाल है, ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतने अच्छे घर के लग रहे हैं, पैंट शर्ट कपड़े भी हजारों वाले पहने हुए हैं और ये खेतों में गेहूं काटने को मजबूर हैं। चलिए पता करते हैं। जी हाँ, कोरोना से पैदा हुए मुसीबत ने शायद इन लोगों को भी इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ उत्तर प्रदेश के संभल जिले के थाना चंदौसी गांव असालतपुरा जारी में ये लोग चिलचिलाती दोपहरी के धूप में गेहूं के खेत में फसल काटने को आखिर कैसे मजबूर हो गए? वजह मालूम किया तो पता चला कि ये लोग दिल्ली के हैं, जहां से परीक्षा खत्म होने के बाद ये लोग 20 मार्च को पिकनिक मनाने के लिए गढ़गंगा आए हुए थे और अचानक ही 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, जिस कारण ये लोग वापस दिल्ली नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना के कारण सभी वाहन बंद हैं। जिसके बाद एक छात्रा के घर वालों ने फोन पर उन्हें कहा कि पास में ही चंदौसी के जाराई गांव में मामा रहते हैं, उन्हीं के यहाँ ये सभी 10 छात्राएं रुक गए। लेकिन लॉकडाउन में मामा के खुद के परिवार का खर्चा 1.5 महीने से चलाना मुश्किल हो रहा था और ऊपर से ये 10 छात्र मेहमान बन के ठहरे हुए थे। आखिरकार इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग भी खेतों में काम करेंगे और इन छात्र छात्राओं ने खेतों में गेहूं काटना शुरू कर दिया, जिसके बदले इन्हें 150 से 200 रुपए प्रतिदिन के मिल जाते हैं। और इस कोरोना के कारण जिन हाथों में कलम हुआ करता था, आज वो हाथ हसिया पकड़ने के लिए मजबूर है। इन सभी को इस बात का इंतजार है कि कब हालात सामान्य हो और ये सभी छात्र छात्राएं अपने घर वापस जा सकें। इन लोगों का आरोप है कि SDM और तहसीलदार से इन लोगों ने खुद को दिल्ली पहुंचाने को कहा, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की और ये लोग मजबूरन पिछले 44 दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। और अब जब लॉकडाउन 3 में कुछ छूट मिल रही है, तो शायद इन्हें उम्मीद है कि ये अपने घर वापस जा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।